नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर मथुरा से है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित ललित कुंज आश्रम से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति जन जागृति यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का शुभारंभ हरिदासीय पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देव जू महाराज की अध्यक्षता में हुआ। मौके पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज मौजूद रहे। यात्रा की अगुवानी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संजय शास्त्री महाराज करेंगे। ये यात्रा मथुरा, आगरा, इटावा, बिहार, बंगाल होते हुए झारखंड पहुंचेगी। यहां पर 1008 हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए आवाज उठाई जाएगी। इस मौके पर बोलते हुए हरिदासी संप्रदाय के आचार्य राधा प्रसाद देव जू महाराज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित संजय शास्त्री महाराज की अगुवानी में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। यात्रा देश भर में अलग ही पहचान बनाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज और पंडित संजय शास्त्री महाराज ने क्या कुछ बताया, आइए सुनवाते हैं। आज स्वामी हरदास जी की परंपरा की भजन स्थली ललित कुंज से ये दीप प्रज्वलित होकर के उत्तर प्रदेश से बिहार और बंगाल से होता हुआ झारखंड की जो धरती है जामताड़ा पर जाकर के वहाँ स्थापित होगा, जहाँ की हमारे प्रिय संजय शास्त्री जी, जो कि भागवत के बड़े ही मर्मज्ञ और बहुत उच्च कोटि के विश्वविख्यात प्रवक्ता हैं, ऐसे संजय शास्त्री जी के द्वारा वहाँ 1008 और यज्ञ हवन कुंड और भागवत की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस दीप को वहाँ विराजमान किया जाएगा और इसी दीपक से 1008 हवन कुंडियों में और अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। हम लोगों की यही कामना है, बिहारी जी महाराज से यही प्रार्थना है कि जिस कार्य को, जिस इच्छा को लेकर के हमारे संजय शास्त्री जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, स्वामी हरदास जी, बिहारी जी महाराज इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और सारा कार्यक्रम निर्विघ्न बहुत सुचारू रूप से अच्छे तरीके से सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री धाम वृंदावन से हरदास पीठ से हमारे पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज राधा प्रसाद देव जी महाराज के सानिध्य में श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति हेतु एक ज्योति जनजागरण यात्रा आज श्रीधाम वृंदावन से आदरणीय संजय शास्त्री जी के नेतृत्व में यहां से बिहार और बंगाल होती हुई झारखंड पहुंचेगी जामताड़ा में। वहां पर पूरे जहां से गुजरेगी वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बताया जाएगा, उनकी महिमाओं के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से बेधर्मियों के द्वारा वहां आक्रमण करके उसे कैप्चर किया गया उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज की यात्रा बड़ी अद्भुत और अभूतपूर्व है और भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखेगी आने वाले समय में। और आदरणीय संजय शास्त्री जी ने जो उद्देश्य लेकर के ये यात्रा निकाले, हम सब लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने एक गहन मंथन करने के बाद ये लोगों को जागृत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है कि लोगों को जागृत हो, सनातन धर्मी जागृत हो और सनातन धर्मी एक मंच पर एक छत्र पा करके सनातन की रक्षा के लिए इकट्ठे हों। तो इसी को लेकर के ये यात्रा जामताड़ा पहुंचेगी और जामताड़ा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की लीलाओं के बारे में और 108 वहां पर भागवत कथाओं का निरूपण होगा, वहां पर भगवान की लीलाओं के बारे में और किस तरह से जन्मभूमि को आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, बार बार किस तरह से उसका निर्माण हुआ और अब क्या चल रहा है, आधुनिक स्थिति कोर्ट केस लेकर के आदरणीय संजय जी वहां पर जितने भी जनमानस होगा उसके सामने रखेंगे और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उसके लिए। एक ये ज्योति यात्रा यहां से जा रही है, दूसरी ज्योति यात्रा फिर दूसरे प्रांतों को लिए निकलेंगी। ये आदरणीय मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज इसमें विशेष अग्रणी भूमिका में हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये चेतना यात्रा, ये ज्योति यात्रा एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय इतिहास में और जन्मभूमि के इतिहास में देगी। श्री संजय शास्त्री, ये यहाँ श्री हरदास राधा देव जी महाराज के द्वारा यहाँ से दीपक जलता हुआ झारखंड पहुँच रहा है और झारखंड पहुँच करके इस दीपक की अग्नि से ही यज्ञ में आहुति और यज्ञ के अंदर जो
वहाँ आपदा परेशानी आई है, ये दीपक से सारा आनंद होगा और वहाँ शांति मिलेगी। आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी के परम सानिध्य उनके स्थान श्री ललित कुंज में आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हमारे संजय शास्त्री जी के द्वारा यहाँ से ये चेतना रथ यात्रा वृंदावन से प्रारंभ होकर झारखंड की धरती पर पहुंचेगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन वहाँ हो रहा है और दिव्य ये इसी ज्योति से वहाँ 101,008 हवन कुंडियों का यज्ञ हो रहा है और इस ज्योति से हम लोग प्रज्वलित करेंगे, वहाँ उज्ज्वलित करेंगे और हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जो यात्रा में हम लोगों को गुणगान करना है, उनके बारे में जानकारी देनी है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि ये मथुरा में जो आतताइयों के द्वारा उसे अतिक्रम किया गया है, जहाँ पर गर्भगृह है उसी जगह पर हमारा भव्य मंदिर बने, ऐसी चेतना यात्रा को लेके आज हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी, साथ में हमारे जिन शास्त्री जी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के परम आशीर्वाद से बाकी सारे ब्रजवासियों ने बड़े हर्षोल्लास से वैदिक क्रियाओं के द्वारा इस दीपक को प्रज्वलित करके वहां तक पहुंचाएंगे और मैं निश्चित है जामताड़ा की धरती पर से उद्गम होगा, धरती पर वहाँ की पर सभी भक्तों को संदेश जाएगा और बाकी बिहारी जी महाराज जी की असीम कृपा से हमें पूर्ण विश्वास है कि यात्रा शुभकामना लेते हुए संदेश जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।